हेलो एवरीवन, तो आज मैंने एक बड़ा ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाया है। आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम ये कटोरी है, ये दोस्तों प्लास्टिक की कटोरी है, हम इसी में बनाएंगे दोस्तों। तो हम इसको दो जगह से छेद कर लिए हैं, एक जगह हम मोटर लगाएंगे। देखिए, ये 4 वोल्ट का मोटर है, हम इसको इस कटोरी में इस तरह लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस मोटर को ग्लू गन की सहायता से अच्छे से चिपका लेते हैं। ये देखिए, हम ग्लू गन से एकदम अच्छे से इसको चिपका लेंगे। ये देखिए, हमने अपने मोटर को बहुत ही अच्छे से चिपका लिया है। इसको और अच्छे से चिपका लीजिए कि मोटर इधर उधर गिरे ना। ये हमारा मोटर चिपक गया है। ये एक चक्के की आकार का है, यह हमको सीढ़ी में से निकला है दोस्तों। इसको हम इस तरह लगाएंगे और इसमें हम ब्लेड को चिपकाएंगे। ये दोस्तों हम इसलिए लिए हैं कि इसमें ब्लेड आराम से चिपक जाएगा। और ये देखिए, ये ब्लेड है। ये ब्लेड बहुत ही तेज होता है, इसीलिए मैं इस ब्लेड को लगा रहा हूं। ये देखिए, हमने अपने ब्लेड को दो तरह से काट लिया है, आधा आधा काट लिया है। अब हम इस ब्लेड को चेक कर लेते हैं कितने एरिया में इसको चिपकाना है। ये देखिए दोस्तों, हम इसी तरह चिपकाएंगे इसको, इतने ही पे चिपकाएंगे। चलिए, हम देख लिए हैं, अब हम इसको भी ग्लू गन की सहायता से चिपकाएंगे। और दोस्तों, इसको चिपकाने के लिए बहुत ही अच्छे से ग्लू गन लगाइएगा, क्योंकि ये ब्लेड है, कभी भी निकल सकता है। अगर बहुत ही अच्छे से ग्लू गन लगाएंगे तो ये कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ही तेज चिपक जाता है। ये देखिए, हम इसी तरह इसको चिपकाएंगे, चारों तरफ से ग्लू गन से इसको लगा लीजिए। ये हमने ग्लू गन लगा लिया है एक ब्लेड में। अब दूसरे ब्लेड को भी उसी तरह हम चिपका लेंगे इस तरह से। चलिए, इसमें भी हम ग्लू गन लगा लेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। ये देखिए, हमने दोनों तरफ से अपना ब्लेड को चिपका लिया है अच्छे तरीके से। अच्छे से दोस्तों चिपकाइएगा, नहीं तो ब्लेड निकल भी सकता है, मोटर बहुत तेज चलता है इसलिए निकल सकता है। तो चलिए, अब हम मोटर में तार को सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के लिए सोल्डिंग आयरन का उपयोग करेंगे। ये देखिए, हमने अपने तार को सोल्डिंग कर लिया है। ये देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है। अब हम इस ब्लेड को लगा लेते हैं मोटर में। दोस्तों, आराम से लगाइएगा, क्योंकि ये ब्लेड है, अगर ब्लेड फंस जाएगा तो हाथ भी कट सकता है, इसलिए ये किसी बड़े से भी करवा सकते हो। ये देखिए, हमारा मोटर भी अच्छे से चल रहा है। अब हम इसमें इसको चला कर देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इसको चलाने के लिए हम ये 4 वोल्ट का बैटरी का उपयोग करेंगे। ये दोस्तों मोबाइल का बैटरी है, ये 4 वोल्ट का बैटरी होता है। ये देखिए, हमारा मोटर बहुत तेज चल रहा है। ये देखिए, दोस्तों हमारा ब्लेड भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अब हम इसमें मिर्च डाल के चेक करेंगे कि ये मिर्च काटता है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम मिर्च इसमें डाल के देखते हैं। तो ये देखिए, हमने कुछ मिर्च रख लिए हैं, तो हमारा मशीन भी चालू हो गया है और मिर्च को काट के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिर्च पूरा अच्छा से कट रहा है। दोस्तों, हम आधा आधा इसलिए काट रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि हम पूरा मिर्चा काट रहे हैं, मतलब आधा उसमें कट रहा है और आधा हम बाहर रख रहे हैं कि हम मिर्चा काट रहे हैं। ये देखिए, हमने सारा मिर्च काट लिया है, ये बहुत ही अच्छे से। अगर दोस्तों आधा मिर्चा इसके अंदर डाल देंगे
वो भी सारा कट जाएगा। ये देखिए अच्छे से ये सारा मिर्चा कट गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मिर्चा को अच्छे से काट दिया है। तो बताइए दोस्तों, ये है ना कमाल का एक प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।